देखते हैं जब बच्चे शरारा करते हैं तो माँ उनको थप्पड़ दिखाती है, वो रोने वाली शक्ल बना लेते हैं, हजारों खामियों के बावजूद माँ उसको मारती नहीं, उसको तर्स आ जाता है। तो सोचो जब हम अल्लाह के आगे रोने वाली शक्ल बना के मांगेंगे उसकी मोहब्बत, तो क्या अल्लाह हमें नहीं देगा? लेकिन आज हम मांगते ही अपनी दुआओं में अल्लाह की मोहब्बत वाला बहुत कम कोई मांगता। तो भाई मांगनी पड़ती है फिर मिलती, ये सबसे महंगी चीज है अल्लाह के दरबार में। इसलिए अगर हमारे इलाके के एक शायर है बहुत मशहूर, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह उनको कहते, तो हजरत बड़े जज्ब में शेर कहते, तो फरमाया उन्होंने एक शेर फरमाया बड़ा ही अजीब हो गई, फरमाया ईमान सलामत मंगे हर कोई, जो हर बंदा कहता ईमान सलामत, ईमान की सलामती नसीब होने, फरमाया ईमान सलामत मंगे हर कोई, इश्क सलामत मंगे कोई कोई। ईमान तो हर कोई ईमान की दुआ करता है और इश्क तो ईमान की हकीकत नसीब कर देता है। जब आपको शिद्दत मोहब्बत होगी तब आपको ईमान की हकीकत नसीब होगी। खीरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलों ने कहा मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जब तक आपके ईमान के अंदर इश्क मोहब्बत नहीं पैदा होता, आपको ईमान की हकीकत नसीब नहीं हो सकती। ईमान की हकीकत उस वक्त नसीब होगी जब आपको अल्लाह के साथ इश्क मोहब्बत नसीब हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने इशारा कर दिया वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान का कमाल चाहिए तो शिद्दत मोहब्बत पैदा करो, अगर शिद्दत मोहब्बत नहीं होगी तो ईमान का कमाल भी नसीब नहीं हो सकता। तो ईमान के कमालात के लिए इश्क मोहब्बत चाहिए। इसलिए अल्लामा इक़बाल ने कहा इश्क तेरी इंतहा इश्क मेरी इंतहा, तू भी अभी ना तमाम मैं भी अभी ना तमाम। इश्क मोहब्बत होना चाहिए फिर बात बनती। अकलो दिलो निगाह का मुर्शिद अवली है इश्क, अकल दिल इन सारी खूबियों का असल मुर्शिद इश्क है। अकलो दिलो निगाह का मुर्शिद अवली है इश्क, इश्क ना हो तो शरा उम्मीद कराए तसव्वुरा। अगर दीन में से इश्क मोहब्बत निकाल ले तो नजरियात ही नजरियात बन जाएंगे, और अगर इनके अंदर इश्क मोहब्बत डाल दे तो बस फिर इंसान बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार। जमाल वजूद बी दिक्र अल इना व तस्फुल हयात बी